वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है मेरा लास्ट वीडियो इंग्लैंड की सीरीज का, और क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ स्वीडन, और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ मामू के साथ। मामू ने हमें मुझे डिनर पे लेकर जाना था, तो यहाँ पे हम आगे है स्टार सिटी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा मामू जिन्होंने हमें डिनर करवाना था, और बस हम जाएंगे अंदर। और एक बात जो मैंने नोटिस की है कि इंग्लैंड में जो भी जाता है तो जो हमारे रिश्तेदार है, मामू, खाला, जो भी हमारे रिश्तेदार है, तो वो आपको कुछ ना कुछ तहाइफ के तौर पे दे देता है। तो मुझे भी बहुत सारे पैसे मिले हैं, खाला, मामू सारों ने मुझे पैसे दिए हैं, गिफ्ट भी दिए हैं, तो सारों का थैंक यू सो मच मेरे। तो बस फ्रेंड, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा मेरी कज़न लोगों से, मेरी खाला मामू लोगों से। तो सबका दिल से शुक्रिया। तो बस फ्रेंड, यहाँ पे मेरी मामी ये वाली गेम खेल रही थी, तो लकली उनको ये एक जो टेडी बियर था वो निकल आया, जो कि मुझे बहुत ही पसंद था। मुझे टेडी बियर्स बहुत ही पसंद हैं, तो उन्होंने ये वाला टेडी बियर मुझे दे दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 10 बार ये गेम खेली, लेकिन एक भी टेडी नहीं निकल आया, बस एक लकली निकल आया था। तो इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए उसके बाद। तो फ्रेंड्स, मुझे बर्मिंघम की कुछ बातें बहुत ही पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे जो स्वीडन है, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बस या तो पार्क है और या घर है, तो बच्चे तो बच्चे के, बड़े भी बोर हो जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे खानों पीनों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी, तो ऐसा फील ही नहीं होता कि बंदा पाकिस्तान में है या यूरोप कंट्रीज़ में है। जो स्वीडन है, यहाँ पे हम पाकिस्तान की खाने नहीं मिलते। तो बस एक एक चीज़, एक एक लम्हा मैंने इन्जॉय किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, तो बहुत ही मज़े का था। हमने शेर खान रेस्टोरेंट से खाना भी खाया था, और थोड़ा महंगा था, मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ही महंगा था। मामू को मैंने बोला कि आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन चलो। और इस टाइम पे मैं आई हूँ मेरी खाला के घर, क्योंकि खाला ने मेरे लिए एक ड्रेस ले ली थी, तो मैं वो लेने गई थी। और तो ये रही वो ड्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, थैंक्स टू माई खाला। काटते हाँ, तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ बेटी के साथ, इसको फेरसिंग या जो कान में सुराख कराते वो कराने, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक नहीं कराई थी, क्योंकि मेरी बहन जो है वो नहीं चाहती थी कि इसको थोड़ा भी तकलीफ हो। तो बस यहाँ पे मेरी बहन तो थी नहीं, तो इसलिए बेटी को फेरसिंग कराई, और बहुत ही रोई थी ये जो बूढ़ी औरत थी, इसे नहीं संभल रही थी। तो फिर इन्होंने दूसरे आदमी को बोला था, तो यहाँ पे मेरी बेटी मुझसे नहीं संभल रही थी, तो इस वाली बंदे ने बेटी को पकड़ता, और ये दूसरा इसको कान में सुराख करा रही थी। और ये था मेरा लास्ट डे, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरी बहन ने चॉकलेट मंगवाई थी, तो वो लेने आई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटीज थी, लेकिन जो चॉकलेट मेरी बहन को पसंद है वो नहीं मिल रही थी, और उसी वजह से मेरा जो सारा दिन था वो बेकार गया, क्योंकि एक जगह जाती थी वहाँ पे नहीं मिलता था, फिर दूसरी जगह जाती थी, और शॉपिंग भी करानी थी मैंने, तो सारी चीज़ें एक ही दिन पर आ गई थी, क्योंकि मैं एक वीक के लिए गई थी, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिली भी नहीं थी, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शादी पे, और
बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल भी पाकिस्तान जैसा फील हो रहा था। सारे पाकिस्तानी लोग थे जो हमारे गांव के थे, तो 90% लोग जो हमारे गांव के हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत सालों बाद देखा सबको और मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई हूँ शॉपिंग करने। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने एक दिन के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी, शॉपिंग भी और अपनों से मिलना वगैरह सब एक दिन के लिए रखा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत से लोगों से मिली भी नहीं हूँ और बस यहाँ पे मैं देख रही थी कपड़े, और जो पाकिस्तानी इंडियन सारे कपड़े यहाँ पर थी और खूब सारी शॉपिंग की, जो कि अगली वीडियो में मैं दिखाती हूँ। और फिर मैं आई हूँ यहाँ से थोड़ी बहुत गोल्ड लेने, वो भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और यहाँ पे मैं पैसे दे रही हूँ। कज़न कह रही थी कि अगर कोई आपको लूटने आया स्वीडन, तो मैंने कहा कि चलो आ जाए, जिसको मेरी एड्रेस का पता हो तो वो आ जाए लूटने। तो फ्रेंड्स, ये है अलम रॉक और यहाँ पे मैं अकेली निकल आई थी शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी कज़न की जो बेटी है वो रोती रहती है और मेरी बेटी भी, तो मैंने उसको बोला था कि चलो मैंने अकेले शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि मैं जब बच्चे होते हैं तो फिर मुझसे शॉपिंग नहीं होता, बच्चे रोते हैं इधर उधर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं अकेली थी। मेरी दूसरी कज़न आई थी, वो उन्होंने मुझे हेल्प कराई थी, फिर वो चली गई, फिर यहाँ से मैंने बस पकड़ी थी और खाला के घर गई थी। और ये हो गई है रात का टाइम और मुझे खबली खाने का बहुत ही दिल था और पाकिस्तान का जो कबाब, तो फिर खाला ने मुझे ये मंगवाया था, क्योंकि वो कह रही थी कि अभी रात बहुत हो गई है तो बाहर जाना मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये जो कबाब था बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल हमारे गांव की कबाब जैसा ही था। मैंने लंदन में भी खाया था लेकिन वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। तो बस फ्रेंड, हो गया है हमारे जाने का टाइम और इस टाइम पे 10 बज रहे थे और हमें निकलना था 9 बजे, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी 12 और 1 बजे के दरमियान। तो फ्रेंड, जिन्होंने हमें एयरपोर्ट पर छोड़कर आना था तो वो लेट आ गए एक घंटा। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे तो बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, तो जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। तो बस जो नसीब में होता है वही मिलता है। हमें 300 पाउंड का नुकसान हुआ उस दिन, और उसी 300 पाउंड की वजह से मैंने बर्मिंगम से टिकट बुक नहीं कराई थी, क्योंकि वहाँ पे महंगी थी। तो मैंने ये होशियारी की कि चलो लंदन से कराती हूँ तो थोड़ी बहुत सस्ती थी। तो बस जो नसीब में था वही पैसे मैंने दोबारा से खर्च कराई और जो तकलीफ हमें मिली वो अलग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बहुत ही भूख लगी थी, क्योंकि हम सुबह से निकले थे। तो फिर मैंने बर्गर किंग से बर्गर खाई और बेटी को भी, ये तो कुछ खाती नहीं है, तो उन्होंने भी जूस वगैरह पी लिया। और फिर हमने दूसरी टिकट कराई जो कि थी रात को 11 बजे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि बार बार प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था और मैं बच्ची के साथ कभी उधर भागती थी कभी इधर भागती थी। और फिर हम पहुँचे कोपेनहेगन, फिर हमने रात वहाँ पर गुजारी क्योंकि बस या ट्रेन वगैरह नहीं थी। फिर जैसे ही घर आई तो घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म थी, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ गई शॉपिंग करने। और यहाँ पे हम ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।